अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट का पेपर, जो कि आज 5 सितंबर 2021 को कंडक्ट करवाया है जी FPSC वालों ने। तो इस पेपर में कुछ जो क्वेश्चंस आए थे हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले MCQs है जी, बिजिएस्ट सी रूट इन द वर्ल्ड इज, जो बिजिएस्ट सी रूट है दुनिया में उसका क्या नाम है? उसका इसका जो आंसर है वो है जी नॉर्थ नॉर्थ एटलांटिक ओशन। उसके बाद दूसरे नंबर पर एक MCQ पूछा गया था जी कि व्हाट इज द नेम ऑफ हाईएस्ट सैलिनिटी सी। इसका जो आंसर है वो है डेड सी। उसके बाद एक और MCQ जो पूछा गया था आज के पेपर में वो है जी गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इज, इसको कौन सा ऐसा जो है सिटी है जिसको गोल्ड कैपिटल कहा जाता है, वो है जोहान्सबर्ग। उसके बाद एक और MCQ पूछा गया था निकी NIKKEI इंडेक्स इज द स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज ऑफ विच कंट्री। तो ये जो निकी इंडेक्स है ये जापान की स्टॉक एक्सचेंज को कहते हैं। उसके बाद था जी नेम द थर्ड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, थर्ड लार्जेस्ट ओशन सॉरी इन द वर्ल्ड। तो इसका जो ऑप्शन था कि वो जो थर्ड लार्जेस्ट ओशन है इन द वर्ल्ड उसका नाम है जी इंडियन ओशन। इंडियन ओशन जो है उस वो जो है थर्ड लार्जेस्ट ओशन है। उसके बाद है जी नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन जनरल असेंबली। यूएन जनरल असेंबली के जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो हैं 10। इसके जो टोटल मेंबर्स हैं वो 15 हैं, जो 5 हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो हैं 10। उसके बाद है हु कॉइन्ड द नेम ऑफ यूएन, यूएन का नेम किसने कॉइन किया था? तो वो है जी FD रोज़वेल्ट। उसके बाद एक MCQ है जी हु बिकेम थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो थर्ड टाइम इलेक्ट हुए हैं, तो उनका क्या नाम है? वो है जी KP शर्मा। उसके बाद MCQ जी विच कंट्री हैज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से कंट्री का है? वो जी इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि UK का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर इसी तरह लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो सबसे लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है। व्हाट इज लोकेटेड एट साउथ पोल ऑफ अर्थ, साउथ पोल ऑफ अर्थ पे क्या लोकेटेड है? वो है वहाँ जी एंटार्क्टिका। उसके बाद एक MCQ पूछा गया था जी विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कौन सी डिवाइस से हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो था बैटरी। एक और MCQ पूछा गया था व्हाई एस्ट्रोनॉट्स आर वेटलेस, जब वो उनका वेट वेटलेस क्यों होते हैं? वो इसलिए होता है क्योंकि फ्री फॉलिंग बॉडी का वेटलेस कम वेटलेस नहीं हो, मतलब के वो वेटलेस होते हैं। उसको बाद एक और MCQ पूछा गया जी फर्स्ट कमर्शियल फीमेल पायलट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम AJK इज, उस फीमेल का क्या नाम है? उनका नाम है जी मरियम मुश्तबा। एक और MCQ पूछा गया था अबंडेंट एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स इज,
तो जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है हमारी यूनिवर्स यूनिवर्स में, उसका नाम है जी हाइड्रोजन। उसके बाद एमसीक्यू है जी, यू एनसीओसी से क्या मुराद है? एनसीओसी नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, ये कोरोना के लिए बनाई गई है जी, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर। उसके बाद ये फ्लोरिडा स्टेट इज बिटवीन टू सिटीज, कौन से दो सिटीज के दरमियान फ्लोरिडा स्टेट पाई जाती है? तो इसका जो आंसर है जी वो क्यूबा एंड पानामा, ये दो सिटीज के दरमियान जी ये क्यूबा स्टेट को पाई जाती है। उसके बाद था जी नेम द कंट्री विच हैज ओल्डेस्ट फ्लैग, ओल्डेस्ट फ्लैग की बात करें तो ये कंट्री है जी डेनमार्क। इस तरह एक और एमसीक्यू मेरे ज़हन में आया जी, ओल्डेस्ट एंथम कौन से कंट्री का है? वो है जी जापान। गैस पाइपलाइन फ्रॉम कराची टू कसूर विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री, पाकिस्तान में जो गैस पाइपलाइन इंस्टॉल की है कराची टू कसूर, वो कौन से कंट्री की हेल्प से बनाई गई है? तो उसका आंसर है जी रशिया, रशिया की मदद से बनाई गई थी। एल्बेट्रॉस, एल्बेट्रॉस क्या है जी? ये किसी जगह का नाम है, ये किसी बर्ड का नाम है, एनिमल का नाम है? तो इसका जो आंसर है जी वो बर्ड, ये एक सी बर्ड है। उसके बाद एक और एमसीक्यू पूछा गया था, सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रेंट इस प्लांट का जो सेकेंडरी न्यूट्रेंट होता है वो होता है सल्फर। उसके बाद बताइए सिटी ऑफ कैनाल्स, कौन सा जो सिटी है उसको सिटी ऑफ कैनाल्स कहा जाता है? तो वो है वेंस। उसके बाद है जी सन कंसिस्ट ऑफ डैश परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, सन में कितनी परसेंट ऑफ हाइड्रोजन पाई जाती है? तो वो है जी 70%। उसके बाद एक और हमसे कुछ पूछा जाए, फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून, ये तो तकरीबन हर किसी को भी पता होगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। सॉरी मिल्क कंटेन डैश परसेंट ऑफ वाटर, मिल्क में कितने परसेंट ऑफ वाटर पाया जाता है? तो वो है जी 87% वाटर, बाकी जो होता है वो सॉलिड होता है 13%। उसके बाद है जी इजिप्ट एंड पाकिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इज हेल्ड इन 2021 में, इजिप्ट और पाकिस्तान के दरमियान मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड हुई है, तो वो कहाँ हुई है? वो हुई है जी इजिप्ट में ही। बाद एमसीक्यू, रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय, व्हीट को रस्ट किस वजह से लग सकती है, जंग किस वजह से लगता है? तो वो होता है जी फंगस की वजह से। बता जी हु कॉइन्ड द नेम ऑफ यूएस, यूएस का नेम किसने कॉइन किया था? जी वो है जी अमेरिगो वेस्पुसी। एक तो ये इंग्लिश वालों के नाम भी माशाल्लाह से इतने मुश्किल होते हैं। उसके बाद है जी हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज ऑन, कौन सा लेयर पर ओजोन की हाईएस्ट कंसंट्रेशन, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर है? तो इसका आंसर है जी स्ट्रेटोस्फेयर। बस एक और करंट अफेयर का एमसीक्यू, गजा सीज फायर स्टार्टेड ऑन, गजा में सीज फायर जो है वो कब स्टार्ट हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जी 21 मई 2021। उसके बाद एक एमसीक्यू है, ये पाकिस्तान हु बिकेम पाकिस्तानी हु बिकेम यूएस पुलिस चीफ, तो ये हैं जी यसार बशीर। यासिर है कि यसार है, स्पेलिंग से तो ये सारी फील हो रहा है। कटपना डेजर्ट इज लोकेटेड इन, कटपना डेजर्ट कहाँ लोकेटेड है? तो ये है स्कर्दू।
बता जी, हु अनफ्रीजेस पीआई एसिड्स इन रिकॉर्ड केस? तो इसका जो आंसर है वो है जी, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड कोर्ट। उसके बाद है जी, कूलम इज यूनिट ऑफ, कूलम किस चीज का यूनिट है? तो वो है जी इलेक्ट्रिक करंट। ये थे कुछ एमसीक्यूज जो के आज के पेपर में आए थे, असिस्टेंट डायरेक्टर इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट पेपर में कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे, कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन याद हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।